सो गाइस आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको जिस तरह का सिनेमैटिक ग्रीन टोन अप्लाई कर सकते हो अपने कौन से फोटो में लाइटरूम एप्लीकेशन के मदद से, और वो भी काफी इजी वे में। तो अगर आपको भी इस तरह का टोन अपने फोटो में ऐड करना है तो यार वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको लाइटरूम एप्लीकेशन में अपने फोटो को ओपन कर लेना है, और लाइटरूम एप्लीकेशन जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसे क्रॉप करेंगे ताकि इंस्टाग्राम में पोस्ट कर सके। तो इसके लिए ये वाला जो आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये वाला आइकॉन पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको 4:5 को सिलेक्ट कर लेना है जो कि इंस्टाग्राम का साइज़ है। इसे सिलेक्ट करने का जो पार्ट क्रॉप करना चाहते हो उसे एडजस्ट कर लेना, और यहाँ से कर लेना डन। तो क्रॉप करने का सबसे पहले हमें ये वाला आइकॉन पे जाना है, और यहाँ पे एक्सपोजर को मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ 0.30। नेक्स्ट हम यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को डिक्रीज कर लेंगे, और यहाँ पे जो हाईलाइट्स है इसे आपको बिल्कुल -100 कर देना है, जिससे हमारे फोटो का जितना भी हाईलाइटेड पार्ट होगा सब यहाँ पे चले जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे शेडो को इंक्रीज कर लेंगे लगभग इतना, और यहाँ पे वाइट्स को थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, और ब्लैक्स को यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे। ब्लैक्स डिक्रीज करने से हमारा फोटो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग लगेगा, जिससे और भी अच्छा लगेगा हमारा फोटो। तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो ब्लैक्स को। तो कंप्लीट हो गया, देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। ये हो जाने के बाद हमें इसके नीचे वाले टूल पे जाना है, जहाँ पे आपको वाइब्रेंस को इंक्रीज कर लेना है। वाइब्रेंस को इंक्रीज करने से जो भी आपके फोटो में सैचुरेटेड पार्ट होगा सिर्फ उसी के यहाँ पे सैचुरेशन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे सैचुरेशन रख लेंगे -4, टिंट को भी -4, और टेम्परेचर को +2 इंक्रीज कर लेंगे। ये हो जाने के बाद हमें यहाँ पे मिक्स टूल पे जाना है, जहाँ पे आपको ब्लू को बिल्कुल -100 कर देना है उसके सैचुरेशन को, क्योंकि ब्लू कलर नहीं चाहिए हमें अपने फोटो में। और अब सीएन के भी सैचुरेशन को -100 कर देंगे। नेक्स्ट हमें जो ग्रीन का सैचुरेशन है थोड़ा सा डिक्रीज करना है, और ह्यू को इंक्रीज करना है, जिससे जो लीव्स का कलर हो यहाँ पे चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, और लूमिस को भी थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे। फिर हमें यहाँ पे येलो टोन पे जाना है, जहाँ पे इसके ह्यू को आपको थोड़ा सा डिक्रीज करना है, सैचुरेशन को थोड़ा सा डिक्रीज, और लूमिस को भी डिक्रीज। नेक्स्ट हमें यहाँ पे जाना है ऑरेंज वाले टोन पे। ऑरेंज और रेड जो है हमारे स्किन का है, तो ऑरेंज के लुमेंस को इंक्रीज कर देंगे, जिससे हमारा फेस यहाँ पे ब्राइट हो जाएगा। फिर हम सैचुरेशन को थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, और लुमेंस को आप जैसा स्किन टोन चाहिए वैसे रख सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्लस के साइड रखता हूँ। नेक्स्ट हम रेड टोन पे जाएंगे, और रेड के भी लुमेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, और यहाँ से कर लेंगे डन। ये हो जाएंगे तो हमें इसके नीचे वाले टूल पे जाना है, और यहाँ पे फोटो की क्लैरिटी को इंक्रीज कर लेना है। इससे देख सकते हो हमारा फोटो कितना कमाल का लग रहा है। तो इसमें यहाँ पे रख लेता हूँ लगभग 30% के आसपास। फिर हम यहाँ पे विनेट को डिक्रीज करेंगे, जिससे बॉर्डर डार्क हो जाएगा हमारे फोटो का, देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। ये हो जाने के बाद हमें इसके नीचे वाले टूल पे जाके शार्पनिंग को इंक्रीज कर देना है 80%, और मास्किंग को जो आपको 2 फिंगर से इंक्रीज करना है, ताकि आप देख सको कि कौन सा वाला पार्ट यहाँ पे शार्प हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसे रख लेता हूँ 71%। और ये हो जाने के बाद हमें इसके ऊपर वाले टूल पे जाना है, और यहाँ पे इसके DS को थोड़ा सा डिक्रीज कर देना है, ताकि हमारा फोटो थोड़ा सा फेड के जैसा हो जाए, जो कि आप हमें देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट हम इसके ऊपर वाला ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे ग्रेडियंट वाला ऑप्शन पे, जहाँ पे हमें यहाँ पे शेडो और हाईलाइट को डिक्रीज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शेडो वाला ऑप्शन पे जाते हैं, और यहाँ पे जो एरो वाला आइकॉन है यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इसे क्लिक करने के बाद आपको सैचुरेशन को इंक्रीज कर लेना है पहले 50% के आसपास, और जो शेडोज है उसको आपको यहाँ पे ब्लू के आसपास रख लेना है, और फिर आपको यहाँ पे सैचुरेशन को डिक्रीज करना है, और ये हो जाने के बाद आपको लुमेंस को भी डिक्रीज कर देना है। तो ये सही है। नेक्स्ट हम हाईलाइट्स पे जाएंगे, और यहाँ पे हाईलाइट के सैचुरेशन को इंक्रीज करके इसका जो टोन है आपको ग्रीन टोन रखना है। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इसे ह्यू को 73, और लुमेंस को डिक्रीज कर लेता हूँ, और यहाँ से कर लेता हूँ डन। तो हमारा फोटो यहाँ पे लगभग एडिट हो ही चुका है। अभी लास्ट में हमें एक इफेक्ट को अप्लाई करना है, जिससे हमारा फोटो फाइनली एडिट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पे सिलेक्टिव वाला ऑप्शन पे जाते हैं, और यहाँ पे जो प्लस वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे नीचे से इस तरह से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोजर डिक्रीज करके यहाँ से कर लेना डन। नेक्स्ट हम फिर से सिलेक्ट ऊपर जाएंगे, प्लस पे क्लिक करके वापस से लीनियर ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लेंगे, और इस बार हमें यहाँ पे इस वाले पार्ट पे एडजस्ट करना है ऊपर की तरफ। लेकिन इस बार आपके यहाँ पे एक्सपोजर को इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के बाद थर्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, और DS को यहाँ पे डिक्रीज कर देना, जिससे देख सकते हैं यहाँ पे ब्राइट सा लुक आएगा। तो हो गया यहाँ से डन। इसके बाद हमें यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में चल जाना, जहाँ पे आपको ये वाला जो आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो फेवरेट्स वाला ऑप्शन है या फिर जो भी लिखा होगा उसके ऊपर क्लिक कर देना, और इस पर क्लिक करके आपको आर्टिस्टिक को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके यहाँ पे आर्टिस्टिक 7 को सिलेक्ट करना है। यही वो इफेक्ट है जिससे हमारा फोटो और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल रहेगा। तो इसको जो अमाउंट मैं रख लेता हूँ 25%, और यहाँ से कर लेता हूँ डन। तो हमारा फोटो यहाँ पे फाइनली एडिट हो चुका है। देख सकते हो आप बिफोर वाला पिक कितना नॉर्मल था, और आफ्टर वाला पिक देख सकते हो कितना कमाल का सिनेमैटिक लुक आ रहा है। नेक्स्ट इसे सेव करने के लिए शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, और एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करके डन कर देना। सो आई गेस आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको फ्यूचर में ऐसे और वीडियोस देखना है तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक और अच्छे से कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर।